I'm good. Dr. Itanshi aa gaya hai kya? Ji ma'am aa gaya hai. Main kabhi ma'am. Hi doctor. Hi. आपसे मिलने के बहुत ज़्यादा excited थी. You're also very excited. Thank you so much. डॉक्टर मैंने आज से पहले कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करवाया है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अब आप बताइए कैसे शुरू करें, कहाँ से. आई नो योर नेम. आपका डेट ऑफ बर्थ 23/07. ओके, सबसे पहले बात तो ये कि अगर मैं आपके नंबर्स देखूँ तो आपके नंबर्स अच्छे भी हैं एंड थोड़े से परेशानी वाले इसलिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो और आपको लोग मिलेंगे जो आपका, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे तो सबको लगता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, यू नो इट्स अ कॉमन ट्रेंड, बट आपके नंबर्स में वो खास दिखता है, हर जन के नंबर्स में वो नहीं दिखता है. इमोशंस में बह के आपको डिसीशंस नहीं लेने हैं, मैं ये आपको बोलूँगी. ओके, एंड आपका जो गुरु है वो बहुत स्ट्रांग है. अच्छा, गुरु स्ट्रांग है तो नेम एंड फेम आएगा. 5 नंबर है इसलिए जो आप फील्ड में हो आपके लिए अच्छा है. इट्स मीडिया का फील्ड इज गुड, कम्युनिकेशन का फील्ड इज गुड एंड यू आर इंटरैक्टिंग विद योर व्यूअर्स. आज मतलब यू ऑल ऑल्सो नो कि मैं पहली बार बिना चश्मे का व्लॉग बना रही हूँ, वरना काला चश्मा पहन के थी मैं एक हफ्ते से, बिकॉज मैंने अपनी आईज का ट्रीटमेंट. अभी भी पहनना है तो पहन सकते हैं. नहीं, अभी सही है. मुझे डॉक्टर ने ही बोला है कि अब ना पहनो तो भी चलेगा. सो मेरा पहला क्वेश्चन मेरी हेल्थ से रिगार्डिंग ही है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी. मुझे आपकी हेल्थ में तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. अगर प्रॉब्लम था भी तो वो ख़त्म हो जाएगा. आपका अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो आपका PCOD, यूट्रस. ओह गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल. मुझे PCOD था और बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी बीमार नहीं, सिर्फ मुझे PCOD था. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको आते ही बता दिया था मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. यू नो इस 5 कार्ड 7 जितने आपको भी देने आप दीजिए अपनी मर्जी से. मैं 5 देती हूँ. 1, 2. अभी आई डोंट नो वेदर यू वांट टू से दिस, पुट इट ऑन दिस थिंग, बट देर कैन बी इश्यूज इन योर मैरिड लाइफ स्पेसिफिकली फॉर इनफैक्ट 1.5-2 ईयर्स. एज आई टोल्ड यू, यू आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव. तो अगर वो आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसको अपने दिल पे ले लेते हो. जो आपके हस्बैंड है ना वो बहुत ही यू नो फैमिली ओरिएंटेड है. जो मदर ने बोला, जो फादर ने बोला, जो सिस्टर या ब्रदर ने बोला, दैट्स द ओनली वे टू मेक यू हैप्पी. बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, एक मैं बहुत सोचती हूँ एक चीज़ के बारे में कि वेदर आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस. आपके दिमाग में है कौन सा बिजनेस कि सिर्फ बिजनेस के लिए पूछ रहा है. 2 बिजनेस आइडियाज है मेरे दिमाग में, बट दोनों ऐसे है कि ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ. तो लेट्स फर्स्ट आस्क अबाउट बिजनेस, फिर हम दोनों आइडियाज को देखेंगे कौन सा आपको करना है. अभी आपको जितने कार्ड निकाले निकालिए, मुझे बताइए मत कितने निकालने. अब भी बिजनेस मत करो. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि पहले बात तो जो आपके आइडियाज़ हैं वो सिर्फ इधर है, उसको आपने लैपटॉप पे भी डाला नहीं है. डाला है लैपटॉप पे? नहीं डाला है. तो आपके आइडियाज सिर्फ इधर है. सोच है. एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल और फूड इंडस्ट्री इन दिस. क्या है ना, बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, जो फंड्स चाहिए ना आपको बिजनेस के. जैसे आपको सपोज एक इमेज है आपके दिमाग में कि मुझे ऐसा खोलना है, उसके लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं है. 5 ईयर्स डाउन द लाइन से एग्जैक्ट कार्ड्स आए हैं. 5 ईयर्स डाउन द लाइन आप बिजनेस करो, आपके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा टू डू द बिजनेस. आप माइंड से भी हैप्पी रहोगे. मुझे मतलब ये बहुत दिमाग में चलता रहता था, अभी मेरे को क्लियर हो गया कि ठीक है. बिकॉज जैसा आपने कहा, ऑफकोर्स आपने तो टैरो कार्ड से बताया कि ठीक है 5 साल बाद करूँ, पर मैं ये सोचती थी कि अभी करूँ कि ना करूँ वही. और मेरा कंस्ट्रेंट सिर्फ पैसा ही था, कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था कि अभी करूँगी तो थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, 5 साल के बाद आई नो हो जाएगा. कितने कार्ड्स निकालूँ? देखिए हर ऑप्शन के लिए, और ध्यान से, 3 कार्ड्स. हाँ, हर ऑप्शन के लिए 3 कार्ड्स. ठीक आएगा. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. मुझे नहीं पता क्या है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है. ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है. एक्सेलेंट. बट ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ नहीं कर पाओगे. आपको सिटी चेंज करनी पड़ेगी. ये कर सकते हो, बट इट्स शोइंग अ डिफरेंट सिटी. इट्स नॉट शोइंग द सेम प्लेस वेर यू आर स्टेइंग टू. दिस यू कैन डू एट द सेम प्लेस. दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ठीक है, बिजनेस का तो चलो हो गया. अब मेरा खुद का अपना घर कब होगा? आपको कहाँ खरीदना है पहले वो बताओ. मतलब शिमला तो नहीं, हिमाचल में.
आप शिमला में रहते हो? अच्छा, सिटी मेरी फाइनल नहीं है, शिमला हो गया कहाँ पे, बट हिमाचल में डेफिनेटली। ओके, तो आप मुझे कितने भी कार्ड दे दो, ये आपको खुद की खरीदा है विदाउट रचत एजेंट? मेरे को तो 2 साल दिख रहा है। लेकिन आपने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं की है, आप सोच रहे हो करना है नहीं करना है, आपको कोई मना कर रहा है क्या इसके लिए? हाँ, कौन मना कर रहा है? मुझे घर वाले ही कहते हैं कि अभी इतना क्यों कर रही है, रहने दे। हाँ, आपको बेसिकली घर वालों का ही सपोर्ट नहीं है, वही दिख रहा है, बट आप करो, प्लीज करो, या फिर साल भर में कर लो या 2 साल बाद करो। यानी कि साल भर जब मैं बोल रही हूँ 2022 जो हम बैठे हैं नवंबर दिसंबर में, से लेके अगले साल तक कर लो, यानी कि अगले नवंबर दिसंबर तक अगर आप नहीं करते हो तो 24 में आप नहीं करोगे, क्योंकि 24 में आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फिर आप 25 में करोगे, फिर 25 में आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं बहुत सोचती हूँ कि अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, ये मेरा और रजत के नाम पर है, जो कि हम बहुत खुशी खुशी चला रहे हैं अभी, आई डोंट नो कैसे, बट हम ये सोचते हैं कि हमको सेकेंड चैनल खोलना चाहिए या नहीं। वो किसी के नाम की बात नहीं है, आपको सिर्फ खोलना चाहिए कि नहीं। हाँ, किसी के नाम का नहीं, बस चैनल खोलना चाहिए या नहीं। खोल सकते हो, ऑफकोर्स, प्लीज़ बाय, प्लीज़ सॉरी नॉट बाय, प्लीज़ मेक द चैनल बट नॉट नाउ। ओके, क्योंकि आप लोग क्लियर ही नहीं हो कि क्या करना है, किसके ऊपर करना है। इसका भी बिजनेस जैसा ही है, दो टॉपिक्स हमारे हैं। हाँ, कि किस पे हो सकता है, तो एक कार्ड निकालो एक टॉपिक के लिए, एक कार्ड निकालो दूसरे टॉपिक के लिए। अगर आपको करना है ना तो आप साल भर पे कर लो, ठीक है, बट वो पहले क्लैरिटी लाओ कैसे कर रहा है क्या कर रहा है। बट ये थोड़ा ठीक ठीक होगा कि भी 3 कार्ड्स की ये वाला कि आपको अपने करंट चैनल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करंट चैनल पे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, मतलब वही अभी मेरा आइस का ट्रीटमेंट था, रजत अपना बिजी था तो हम उतना अच्छे से नहीं करवा रहे थे, तो यही दिखा रहा है कि आप लोग इतना फोकस ही नहीं कर रहे हो करंट पे, और दूसरा खोलोगे तो वो तो जब आपके पास टाइम हो तब करिए, और जो ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन था जो भी आपके दिमाग में, आई एम नॉट आस्किंग इफ यू डोंट वांट टू रिवील, बट ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तभी हो सकता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरा 1 मिलियन कब तक हो जाएगा? अच्छा, हाँ ठीक है, सो गिव मी 3 कार्ड्स फॉर विद इन अ ईयर, 3 कार्ड्स फॉर विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। अभी आप कितने पे हैं? 7.7 लाख, एक साल में हो जाएगा। तो इसे दूसरे लेने की जरूरत है क्योंकि ये हाईएस्ट कार्ड है। अच्छा, इसके ऊपर कोई कार्ड नहीं है। मेरे हिसाब से आप जून से लेके अगस्त तक आप पहुँच जाओगे, बल्कि उसके पहले भी पहुँच सकते हैं। नहीं, उसके पहले तो नहीं, मई जून का समझ के चलिए, मतलब यू नो योर टाइमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल मई टू अबाउट जून जुलाई, ये 4 महीने में आप कभी भी पहुंच जाओगे, लेकिन 100% पहुंचोगे। आपको इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो? वाओ, बताओ जा रही हूँ मैं कि नहीं जा रही हूँ? जा रहे हो, और जब जाओगे ना तो आपको और भी व्यूज आएंगे, और आपको आपका वो आपका मेरे को लग रहा है एकदम से 1 मिलियन से एकदम से ज़्यादा आएगा। हाँ, इट विल गो मोर देन 1 मिलियन, मतलब आपके वो 10 से इमीडिएटली ये टाइम में ना 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे। अच्छा गाइज, आई एम अमेज्ड यार, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई, कुछ एक तो ऐसी थी वर्ड टू वर्ड जैसे PCOD के बारे में, मेरा फॉरेन ट्रिप के बारे में, और मतलब बहुत एग्जैक्ट चीज़ें थी। बट डॉक्टर, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि जैसे मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी थी तो मैं आपके पास आ गई, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुंबई में ही रहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं? तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव ब्रॉट अप, कि हम लोग टैरो रीडिंग पिछले 20 साल से कर रहे हैं, और जब ये लैपटॉप ये जूम नहीं था, व्हाट्सएप वीडियो नहीं था, तो हम फोन पे करते थे। सो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू डू टैरो कार्ड रीडिंग फॉर मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स इन US, सिंगापुर, अफ्रीका, अदर पार्ट ऑफ द सिटीज, दे डोंट नीड टू कम। तो आपको भी अगर अगली बार कोई भी अर्जेंट क्वेश्चन है तो नेसेसरी नहीं है कि आप बॉम्बे में रहोगे। अच्छा, जैसे आप अभी बॉम्बे में थे, हाँ जी, फॉर्चुनेटली आप मिल सके, बट नेसेसरी नहीं है, तो आप बस मुझे मैसेज कर देना कि आई नीड सम टैरो गाइडेंस, और मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लेके आप जो क्वेश्चन बोलोगे फिर मैं समझूंगी, और फिर मैं कनेक्ट करके आपको आंसर दे दूंगी, एंड दे आर ऑल्सो एज एक्यूरेट एज दिस। मतलब आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा क्या मैं वो शेयर कर सकती हूँ प्लीज के साथ? यस यस यस, सो दैट अगर उनको चाहिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीजों का लिंक भी दे दूंगी, और इनका फोन नंबर भी दे दूंगी, कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि अगर आपको भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करानी है या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू हर टीम।